गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सो टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ प्लेस दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस ओके सो प्लेज मीन्स फर्स्ट यू नीड टू लर्न दैट प्लेस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन वन सेवेंटी टू में एक्सप्लेन किया गया है ठीक है प्लेस क्या होता है कि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी कोई गुड्स एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है किसी लोन या किसी डेप्ट के अगेंस्ट में तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर प्लेज हुआ है यानी कि गिरवी हुआ है सी देर इज अ वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बैलमेंट ऑफ गुड्स एंड प्लेज ऑफ गुड्स बैलमेंट ऑफ गुड्स का तो क्या मतलब है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी गुड्स कुछ समय के लिए यूज करने के लिए दे रहा है ठीक है जो वहां पे पर्पस है वो क्या होता है यूजिंग पर्पस होता है ठीक है और प्लेज में एक पर्सन अपनी गुड्स एक पर्सन ने जैसे मिस्टर ए है मिस्टर ए ने मिस्टर बी से पचास हजार रुपए का लोन लिया और उस पचास हजार रुपए के लोन के अगेंस्ट में मिस्टर ए ने अपनी कोई गुड्स मिस्टर बी के पास में प्लेज कर दी यानी कि गिरवी रख दी कि अगर मैं आपको पचास हजार रुपए टाइम से वापस नहीं लौटाता हूँ तो आप मेरी इस गुड्स को अपने पास में रख सकते हो ओके ये होता है आपका प्लेज बैलमेंट में बैलर एंड बैली वर्ड यूज होता है प्लेज में जो पर्सन द बैलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अर प्रोमिस इज कॉल्ड प्लेज यहां पर जो बैलर है उसको हम क्या कहते हैं प्लेजर कहते हैं और जो बैली है उसको क्या कहते हैं प्लेजी कहते हैं ठीक है ठीके? जैसे ये एक एग्जाम्पल है मिस्टर सुरेश डिलीवर्स हिज ज्वेलरी टू रमेश एज अ सिक्योरिटी ऑफ अ लोन ऑफ फिफ्टी थाउजेंड ठीक है तो सुरेश यहाँ पे कौन हो गया सुरेश जिसने अपनी गुड्स दी है एज अ सिक्योरिटी वो हो गया आपका प्लेजर या पॉवर पॉनर एंड जो रमेश है वो आपका हो गया प्लेजी ठीक है नाउ अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जो मैंने सारे अंडरलाइन कर रखे हैं इफ द पर्पस ऑफ बैलमेंट इज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ अ लोन और द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस देन सच बैलमेंट इज कॉल्ड प्लेज बेसिक डिफरेंस क्या है कि अगर बैलमेंट का पर्पस किसी लोन की सिक्योरिटी के अगेंस्ट में गुड्स देना है या किसी प्रॉमिस को पूरा करवाने के लिए गुड्स देना है तो वो बैलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना होकर प्लेज कहलाता है ठीक है बट प्लेस के लिए ये जरूरी है कि प्लेस सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है यानी कि जिस प्रॉपर्टी को या जिस गुड्स को आप मूव कर सकते हो अगर आप वो एक जगह से दूसरी जगह एज अ सिक्योरिटी परपज जा रही है एज अ सिक्योरिटी ऑफ लोन परपज जा रही है तो वो प्लेज है अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को किसी लोन के अगेंस्ट में दिया जा रहा है तो वो मोड़गेज कहलाती है ओके एंड द नेक्स्ट पॉइंट प्लेस के लिए ये जरूरी है कि इसमें जो गुड्स की डिलीवरी है वो या तो एक्चुअल होनी चाहिए या फिर कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए इसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं ठीक है थीके? कि जो पोसेशन ऑफ गुड्स है वो एक लॉफुल ट्रांसफर ऑफ गुड्स होना चाहिए कोई जबरदस्ती का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए ठीक है और जो फिजिकल प्रोसेशन ऑफ गुड्स है मतलब जब आप गुड्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जा रही है तो वो किसी प्रेशर में नहीं जानी चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली आपने किसी से लोन लिया है और उसके अगेंस्ट में आप अपनी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी उसको दे रहे हो एज अ प्लेस तो ये किसी प्रेशर में नहीं होना चाहिए बल्कि ये बिल्कुल लॉफुल तरीके से फिजिकल ट्रांसफर होना चाहिए ओके सो मेन आपको जो डिफरेंस याद करना है बस अगर आपको ये एक मेन पॉइंट इसका समझ में आ गया ना कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बैलमेंट ऑफ गुड्स एंड प्लेज ऑफ गुड्स बैलमेंट ऑफ गुड्स में भी क्या है एक पर्सन की गुड्स दूसरे पर्सन के के पास जा रही है एक पर्सन की गुड्स का पोसेशन दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो रहा है लेकिन वो सिर्फ यूज करने के लिए या ग्रेटिट्यूड्स में हो रहा है ठीक है ना यहाँ पर कोई भी लोन का चक्कर नहीं है लेकिन अगर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से लोन लिया है और उसके अगेंस्ट में वो कोई अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी मूवेबल गुड्स उसको दे रहा है वो प्लेज कहलाता है प्लेस को हिंदी में गिरवी रखना कहते हैं बट यहां पे भी ध्यान रखना है कि प्लेज मूवेबल गुड्स का हो सकता है अंडरलाइन कर रखा है मैंने ठीक है अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को दिया जा रहा है तो वो मोडगेज कहलाता है ठीक है नाउ बेसिक फीचर्स क्या है प्लेस के ऑब्वियसली ये मैं सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूं प्लेस सिर्फ मूवेबल गुड्स का होगा प्लेस के लिए लॉफुल ओनर ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी होना जरूरी है इट मीन जैसे मिस्टर ए है मिस्टर ए ने मिस्टर बी से एक लाख रुपए का लोन लिया अब उसके बदले में मिस्टर ए मिस्टर बी को वो ही मूवेबल गुड्स दे सकते हैं जिसपे उनका खुद का राइट right है ठीक है अगर कोई वो मिस्टर ए कोई ऐसी वस्तु मिस्टर बी को एज अ प्लेस दे देते हैं जिसपे उनका खुद का ही राइट right नहीं है तो इन दैट केस वो लॉफुल नहीं कहलाएगा ठीक है प्लेज इनवॉल्व ट्रांसफर ऑफ प्रोसेशन ऑब्वियसली प्लेज में क्या होना चाहिए कि जो यूज करने का अधिकार है ट्रांसफर ऑफ प्रोसेशन है वो या तो एक्चुअली ट्रांसफर होना चाहिए या फिर कंस्ट्रक्टिव ट्रांसफर होना चाहिए नेक्स्ट प्लेज कैन ओनली बी ऑफ अ सेलेबल कॉमोडिटी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इसका मैंने अंडरलाइन कर रखा है एसेंशियल फीचर इसका मतलब ये होता है कि यूजुअली लोन के अगेंस्ट में जो वो मूवेबल प्रॉपर्टी रखी जा रही है वो ऐसी होनी चाहिए जिसकी सेलेबल वैल्यू है यानी कि अगर जिसने लोन लिया है वो अपना पैसा टाइम पे नहीं चुकाता तो जिसने लोन दे रखा है वो बंदा उसकी उस प्रॉपर्टी को सेल करके अपने लोन का पैसा निकाल सके प्लेज इन्वॉल्व रिटर्न ऑफ गुड्स ऑब्वियसली जब मैं जैसे बी का अपन ने एग्जाम्पल लिया अगर ए अपना लोन पूरा चुका देंगे तो मिस्टर बी को उनकी उनको वापस से रिटर्न करनी होगी नाउ राइट ऑफ अ प्लेजर प्लेजर यानी वो जिसने अपनी गुड्स एज अ सिक्योरिटी लोन के अगेंस्ट में रख रखी हैं वो प्लेजर कहलाता है अब इसका क्या क्या राइट right है राइट टू गेट बैक द गुड्स प्लेज अगर टाइम से वो लोन चुका देता है तो उसका राइट right है कि उसने जो भी गुड्स डेप्ट के अगेंस्ट में रखी थी वो उसको वापस मिल जाए राइट टू इंक्रीज और प्रॉफिट जस्ट लाइक अ बेलमेंट अगर उसकी जो गुड्स है जो कि उसने लोन के अगेंस्ट में रख रखी थी उस पर कोई भी इंक्रीमेंट हुआ है या प्रॉफिट हुआ है वो भी उसको अपनी गुड्स के साथ में वापस मिलेगा राइट टू कंपनसेशन अगर प्लेजी ने उसकी गुड्स की प्रॉपर टेक केयर नहीं की और उसके कारण उसको कोई लॉस हुआ हुआ है हुआ है है डैमेज गुड्स का तो उसका उसका जो भी है, वो उसको प्लेजर को लेने का राइट है राइट टू तो गेट प्रॉफिट इन केस ऑफ सेल मान लीजिए जैसे मिस्टर ए है मिस्टर ए अपना लोन चुका नहीं पाते और मिस्टर बी के पास में उनकी जो भी गुड्स पड़ी थी उसको मिस्टर बी ने बेच दिया एक लाख का लोन था मिस्टर बी ने उस गुड्स को एक लाख दस हजार में बेचा तो एक लाख अपना लोन का पैसा तो मिस्टर बी खुद रख लेंगे लेकिन जो दस हजार का प्रॉफिट हुआ है वो उनको वापस मिस्टर ए को देना पड़ेगा ठीक है एंड डिफॉल्टिंग पावर्स राइट का मतलब ये होता है कि अगर जिसने गुड्स प्लेस करके रखी है जिसने अपनी गुड्स गिरवी रखी है अगर उसके उस पर उसका हक नहीं है तो इन दैट केस प्लेज उसको ये राइट होता है अगर उसका उस पर हक नहीं है तो इन दैट केस उसको राइट होता है कि जो भी टोटल अमाउंट ऑफ लोन प्लस हुआ है वो उसके लिए क्लेम कर सकता है ठीक है अब ऑब्वियसली अगर प्लेजर के कुछ राइट हैं तो उसकी कुछ ड्यूटीज भी हैं पहला टू पे द टाइम से वो लोन का पेमेंट कर दे टू डिस्कलो द डिफेक्ट्स इन गुड्स अगर जो गुड्स वो गिरवी रख रहा है उसमें कोई भी डिफेक्ट है तो उसके लिए वो प्लेजी को पहले ही बता दे टू रीपे द ने प्लेजी ने उसकी जो भी गुड्स अपने पास गिरवी में रख रखी है अगर उनको मेनटेन करने में कोई भी एक्सपेंसिस पे हो रहे हैं तो वो प्लेजर को देने पड़ेंगे ड्यूटी आफ्टर सेल अगर वो ये मैंने जो आपको पहले बताया कि इनकेस अगर वो पेमेंट नहीं कर पाता है तो वे वो उनको उस प्रोडक्ट को सेल करने से मना नहीं कर सकता ठीक है नाउ Rights ऑफ प्लेजी प्लेजी कौन है जिसके पास में लोन के अगेंस्ट में वो वस्तु रखी गई है ठीक है उसके क्या क्या राइट्स हैं राइट टू रिटेनर टू गुड्स इट मीन जब तक उसको उसके लोन का पैसा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट नहीं मिल जाता तब तक उसको हक है कि वो उन गुड्स को रिटेन करके रख सकता है मतलब अपने पास रख सकता है राइट ऑफ रिटेनर फॉर सब्सिक्वेंट एडवांसेस मान लो कि मिस्टर uh, ए ने पहले तो एक लाख रुपए का लोन लिया ठीक है मिस्टर बी से फिर बाद में उन्होंने वो भी पूरा नहीं चुकाया लेकिन उसके बाद उन्होंने पचास हजार का और लोन ले लिया तो इसका मतलब ये हो गया कि एक लाख रुपए के लोन के अगेंस्ट में उन्होंने जो भी मूवेबल गुड्स रख रखे थे मिस्टर बी के पास में अब एक्स्ट्रा पचास हजार रुपए के लोन का भी उस मूवेबल गुड्स पर ही बनता है मोडगेज ठीक है सॉरी प्लेज राइट टू एक्स्ट्राऑर्डनरी एक्सपेंसिस अगर प्लेजी ने कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किए हैं तो वो वो खर्चा किससे निकालेगा जिसकी वस्तु है उससे यानी प्लेजर से ठीक है राइट इन केस पावर मेक डिफॉल्ट अब नेक्स्ट ये है कि अगर जो प्लेजर है वो अपना लोन का पैसा देने से मना कर देता है या डिफॉल्ट अपने आप को डिक्लेयर कर देता है तो इन दैट केस वो उस एसेट्स uh, को अपने पास रखकर उसको सेल करके उससे पैसा निकलवा सकता है राइट अगेंस्ट ओनर इन केस दावर्स डिफेक्टिव मान लीजिए खुद ओनर नहीं है ओनर है तो इन दैट केस बी की इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि उसने तो गुड फेथ में वो लोन दिया था ए को और अपने पास में रख ली थी अब सी अगर कोई भी क्लेम करता है तो भी बी उसको ये कह सकता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है आप कि ये गुड्स अभी मेरे पास रहेगी जब तक कि मैं इसका पैसा कवर नहीं कर लेता ड्यूटीज ऑफ प्लेजी प्लेजी की ड्यूटीज क्या है ऑब्वियसली पहला रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स जो भी गुड्स उसके पास गिरवी रखी हुई है उसकी प्रॉपर केयर करेगा उसका इमप्रॉपर यूज यानी कि गलत यूज नहीं करेगा उसको अपनी गुड्स के साथ में मिक्स नहीं करेगा टू रिटर्न द गुड्स प्लेज आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और जैसे ही प्लेजर अपने लोन का पैसा वापस कर देगा वो उसकी गुड्स को उसको वापस रिटर्न कर देगा ठीक है एक एक छोटा सा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों दैट इज ओनर होता है वो ही अपनी गुड्स को दूसरे बंदे को गिरवी दे सकता है ये एक कॉमन रूल है ठीक है ना ओनली द ओनर ऑफ गुड्स है राइट टू प्लेस द गुड्स लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद हैं जहाँ पर जो नॉन ओनर होता है यानी गुड्स का असली मालिक ना होकर उसके पास में गुड्स होती हैं पर उसको हक होता है कि वो उन गुड्स को गिरवी रख सकता है जैसे जितने भी मर्केंटाइल एजेंट होते हैं जो भी किसी के एज अ एजेंट वर्क करते हैं उनको ये राइट होता है कि वो बिहाफ पर अपने ओनर के बिहाफ पर उन गुड्स को एज अ गिरवी रख सकते हैं प्लेज पावर हैज लिमिटेड इंटरेस्ट इन गुड्स इसी तरीके से जहाँ पर जो प्लेजर है उसका गुड्स पर लिमिटेड इंटरेस्ट होता है यानी कि गुड्स पर उसका नियमित एक लिमिट तक ही हक होता है पर उसको ये राइट right होता है कि वो उन गुड्स को गिरवी रख सकता है ठीक है प्लेस बाय अ पर्सन इन पोसेशन अंडर अ वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट अगर एक वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में कोई गुड्स मिली है ठीक है लेकिन फिर भी उसको प्लेजर को ये राइट right होता है कि वो उन गुड्स को गिरवी रख सकता है ऐसे ही अगर एक कोई गुड्स ऐसी है जिसके बहुत सारे को ओनर है तो अदर कोनर के साथ में कंसर्न करके कोई एक बंदा उन गुड्स को गिरवी रख सकता है ठीक है सेम इसी तरीके से जो खरीदार होता है जिसके पास में वो गुड्स पड़ी है अगर सेल कम्प्लीट होने से पहले तक उसको ये हक होता है कि वो उसको कंसर्न के साथ में या वैलिड प्लस के साथ में उसमें रख सकता है गिरवी में ठीक है अब नाउ स्टूडेंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है आ, एक सेकेंड ये आ, ये चैप्टर जैसे मैंने 152 पेज नंबर तक आपको बताया है इसके बाद में इस चैप्टर में आपको कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं लाइक डिफरेंस बिटवीन प्लेज एंड बैलमेंट डिफरेंट बिटवीन लेन एंड प्लेज डिफरेंट बिटवीन लेन एंड बैलमेंट ये आपको खुद करने हैं वो सारे डिफरेंसेस एक बार आप रीड करके देख लेना अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो मुझसे पूछ लेना ओके okay? एंड इसमें ये जो प्लेज वाला टॉपिक है इसमें भी जो मोस्ट आपको ध्यान रखना है वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ द प्लेजर एंड प्लेजी जस्ट लाइक अ बेलमेंट ओके सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस प्लीज गो थ्रू विद दिस और अगर कोई क्वेरीज होती है तो कैन मी